सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन इन्फॉर्मेशन को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एंड वेलकम टू एडमिशन इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एक नए लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जो निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश यूपी टैबलेट योजना और स्मार्ट फोर योजना के बारे में। अभी क्या चीज़ अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, सबकी जिला वाइज सूची जारी हो रही है। 3 लाख से अधिक छात्रों को चुना गया है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जिस भी छात्रों को चुना गया है कि आय का प्रोसीजर क्या होने वाला है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है जिससे आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यूपी टैबलेट स्मार्टफोन लिस्ट सभी को जिला वाइज सूची आ गई है। यूपी में टैबलेट और स्मार्टफोन की लिस्ट जारी हो चुकी है। आज कई लिस्ट जारी हो गई है, मतलब आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके दिन की बात कर रहे हैं। आज जो है, आज 7 तारीख है आपका, तो आज के दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही के दिन जो है लिस्ट जारी हुई है। अभी अपना नाम देखे सूची में, हर दिन कहीं ना कहीं की लिस्ट जारी हो रही है। आप अपने कॉलेज का नाम देखें, फिर सूची में अपना नाम देखें और उसके बाद आपको नोटिस किया जाएगा कि आपको किस दिन बुलाया जाएगा, उस दिन आपको उपस्थित दर्ज कराकर योजना का लाभ उठाएं। हालांकि अभी डिसाइड नहीं हुआ कि स्कूल में बांटा जाएगा या फिर कहीं लोकेशन पे दी जाएगी। जहां भी बांटा जाएगा ये सुनिश्चित नहीं हुआ है। स्कूल में बांटा जा सकता है, लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब सबसे पहले आपको ये बता दें कि देखो प्रोसीजर क्या है इसका। तो सबसे पहले प्रोसीजर है, आपको जो सेलेक्ट होगा, ठीक है, आप जीएफपी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, सेलेक्ट तो आई थिंक होना ही है सबको, तो धीरे धीरे लिस्ट जारी हुई है कॉलेज वाइज। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग को जो नाम आएगा छात्रों को सूचित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो कैसे दे रहा है, छात्रों को किया जाएगा सूचित। छात्रों के मोबाइल नंबर पर मैसेज किया जाएगा कि वह लैपटॉप है या टैबलेट वाइज, ठीक है, यानी आपको लैपटॉप मिलना है या टैबलेट मिलना है या फिर स्मार्टफोन मिलना है। 3 कैटेगरी हैं आपको पता है, एक लैपटॉप है, ठीक है, दूसरा टैबलेट है और तीसरा फ़ोन है। फ़ोन जो है वो जो लाइक BA BSc कर रहे हैं उनको मिल रहा है, जो टैब कर रहे हैं थोड़े ऊपर लेवल के लाइक मास्टर कोर्स कर रहे हैं उनको मिला है, और लैपटॉप मिला है। लैपटॉप का जो चांस आने वाला है वो लास्ट में आने वाला है, वो किनको मिला है, वो प्रोफेशनल जो कोर्स कर रहे हैं उनको मिल रहा है। 3 कैटेगरी है इसकी। अब किस तरीके से आपको सूचित किया जाएगा ये आप लोग यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं ये लोग। तो छात्रों के मोबाइल नंबर पर, यहाँ पे एक मिनट रुको, छात्रों के मोबाइल नंबर पर मैसेज किया जाएगा कि वह लैपटॉप है, टैब है या फ़ोन है। उन छात्रों के जहाँ पर उन्हें टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा वहाँ क्या क्या ले जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो मैं भी आपको भी बताऊँगा डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पर जैसे हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रही है। ओरिजिनल आधार कार्ड, ठीक है, और उनके एक प्रति स्कूल में जमा करा ली जाती है। इसको छोड़े थोड़ा बहुत ही दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख लो, मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाता हूँ तो आप लोग देखोगे यहाँ पे चीज़ें शो हो रही हैं किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। थोड़ा सा और नीचे मैं आ जाऊँ, अब देखो ये चीज़ें दस्तावेज हैं, दस्तावेज ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जब आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर लोग देख पा रहे हो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आय प्रमाण पत्र। तो देखो इतना चीज़ ये लोग दस्तावेज के तौर पर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना कुछ नहीं ले जाना है आपको। आपको केवल आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। अब चूँकि आपका कॉलेज से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको सारे जो डिटेल्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी उनके पास होगा, तो इतना चीज़ नहीं लेके जाना है। बाकी एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आप लोग रख लेना अपने साथ। हालांकि जो आपके पास जो मैसेज आएगा उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो यार देखो, आप लोग को मैंने बता दिया है क्या क्या चीज़ें इसमें, और जिनका भी मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो कॉलेज की तरफ से ही आएगी, ठीक है, और अदर कहीं से इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आएगी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो अब तक के लिए तो यार देखो ये नोटिफिकेशन, बाकी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन होगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा, आपको अवेयर करता रहूँगा नोटिफिकेशन से। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब की जरूर रखो। मिलेंगे हमें ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। धन्यवाद।